नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको आलू गोभी की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। ये मेरा तरीका है, जब मेरे घर में मेहमान आते हैं मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और भी तरीके हैं आलू गोभी के बनाने के, मैं और भी बताऊँगी आगे आने वाले वीडियो में आपको। तो ये हमारे मुझे मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, बिहार में मेरी मम्मी रहती थी तो मेहमान आते थे तभी इस तरह से मैं बनाती हूँ सब्जी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम आलू गोभी बनाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये मेरे पास 1 किलो गोभी है, मैंने काट को नमक काट के नमक वाले पानी में मैंने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। और आलू लिए मैंने 9 से 10, और ये इस तरीके से मैंने काट लिया, आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से, आप क्यूब में भी काट सकते हैं। और ये मैंने 3 टमाटो थे उनको पीस लिया, और ये 5-6 हरी मिर्च है जिन्हें चीरा लगा कर रख लिया, और पानी, तेल, टमाटो केचप ये चाहिए। और चलिए अब और मसाले देखते हैं। यहाँ पे कुछ सूखे और खड़े मसाले हैं, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ये देखिए तेज़पत्ता। और इन मसालों में है प्याज, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, काली मिर्च, और ये सब्जी मसाला, और ये धनिया पाउडर। ये सब्जी ज़्यादा ग्रेवी वाली तो नहीं बनती है, ये पूड़ी के साथ सर्व किया जाता है और पराठे के साथ ये, पर ये लटपटा सा बनता है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैंने कढ़ाई रख दिया है, और अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। ये धनिया पत्ता बताना भूल गई थी, इसको मैंने काट के पानी में डाल दिया है। तो चलिए मैंने तेल डाल लिया, और इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इन सबको फ्राई करेंगे, आलू और गोभी को। तो चलिए अब मैं, तेल गर्म हो जाता है तब तक। ये देखिए हमारा तेल बहुत गर्म हो गया है, और मैंने आँच बिल्कुल कम कर दिया है। अब मैं इसमें आलू डालती हूँ, और इसमें हल्का सा हल्दी और नमक, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी, और थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, और सिराने के सिलाते हुए ढक के उसको सुनहरा होने तक भून लें। हल्दी कम डालेंगे और हल्का नमक, ताकि वो फीका ना लगे आलू। चलिए अभी हम ढक लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू हो चुके हैं, और अब मैं इन गोभियों को भी डाल रही हूँ, और अब मैं इसमें भी हल्का सा नमक और हल्दी डालूँगी, और इसको भी ढककर, और थोड़ा सा नमक, हल्दी सॉरी, और हम इसको भी सुनहरा होने पर भून लेते हैं। तो चलिए इसे ढक देते हैं, और सुनहरा होने पर इसको भी हम भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छी तरह भून गया, तब मैं इसे निकालती हूँ। ये देखिए मैंने गोभी और ये आलू को फ्राई करके निकाल लिया है। अब जो तेल बचा है मैं उसमें ये गरम मसाले डालती हूँ, और इन्हें तड़क दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमारा हो गया खड़ा मसाला, अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ, और इसे सुनहरा होने तक भून लेती हूँ। आँच को कम रखेंगे। चलिए हमारा प्याज हो गया, तो अब मैं सारे सूखे मसाले डाल देती हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये नमक, मिर्च, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, सभी को मैं काली मिर्च डाल देती हूँ। और मैं पानी नहीं डालूँगी, मैं इनको ऐसे ही, आँच बिल्कुल कम है हमारा। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालती हूँ, इसी कारण से मैं पानी नहीं डालती, मसालों को इसके साथ ही मिक्स करके भूनूंगी। तो चलिए अब हम इसको, मसालों को भून लेते हैं चलाते हुए।
चलिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसमें टमाटो केचप 2 चम्मच के लगभग डालती हूँ और इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेती हूँ। आइए हमारा मसाला हो गया, अब मैं पानी डालती हूँ। और अब मैं आँच तेज करूँगी, मैंने उस टाइम बिल्कुल कम आँच कर रखा था। तो अब मैं और पानी डालती हूँ। हम तरी तो नहीं रखेंगे, ग्रेवी नहीं रखेंगे, बट थोड़ा मसाले सब्जियों पे चढ़ी रहेंगे, इस तरह से हमें चाहिए। चलिए इसे खोल दें, जाने देते हैं और फिर हम इसमें दोनों सब्जियों को ऐड करने कर देंगे, क्योंकि हमें पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस मसाले उसके ऊपर चाहिए। तो दोनों तलते हुए ही पक चुके थे। अब मैं आलू ऐड करती हूँ। ये देखिए हमारा आलू तलते टाइम ही पक चुका था और गोभी भी। तब मैं इसमें दोनों सब्जियों को डाल के कम 5 मिनट ढक के पकाऊंगी, ताकि मसाले अच्छी तरह इसमें चले जाए। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ। ऐसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। ग्रेवी वाली नहीं बनती है, पूड़ी के साथ या पराठे के साथ खाते हैं, ये लटपटी सी बनती है। तो चलिए अब मैं इसे ढकती हूँ। चलिए हमारी सब्जी हो चुकी है, ये बिल्कुल सूख जाएगी बाद में। अब मैं इसे बंद करती हूँ और धनिया पत्ता डालती हूँ और ये हमारे सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। ये लीजिए, मैंने सर्व कर दिया। ये मेरा तरीका था आलू गोभी बनाने के लिए। इसको पूरी पराठा किसी के साथ भी सर्व करिए। आप अपना भी तरीका बताइए, आप कैसे बनाते हैं, ताकि मैं उसको भी ट्राई करूं और अपने चैनल पे दिखाऊं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।